Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. Mera naam hai Sir Luqman Shah aur aaj topic hai chemistry ka polar and non-polar bonds. Ye grade 8 ke liye hai aur main aapko aaj aapko samjhaunga conceptually ke polar bond kya hai aur non-polar bond kya hai. To sabse pehle hai yahan maine is side pe likha hai polar bond aur is side pe likha hai maine non-polar bond. Acha polar bond wo hote hai जिसमें दो एटम्स आपस में कवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं लेकिन उन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज डिफरेंट होती है और नॉन पोलर में दो एटम्स कवलेंट बॉन्ड बनाते हैं लेकिन दोनों एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है उसको हम कहते हैं नॉन पोलर कवलेंट बॉन्ड. अच्छा पोलर बॉन्ड की डिफिनेशन क्या है. The covalent bond which is formed by mutual sharing of electrons between atoms of different electronegativity. Yani the covalent bond, ye baat yaad rakhe, ye covalent bond hai. Yani ek hota hai ionic bond mein lose or gain of electrons hote hai. Yani electron ko gain karenge ya lose karenge. Aur covalent bond mein electron gain nahi karenge. Covalent bond में electrons share करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये covalent bond है. तो वो covalent bond जिसमें दो atoms आपस में electrons share कर लेते हैं, और वो दो atoms जो electrons share कर लेते हैं, उन दोनों atoms की electronegativity different होगी. Electronegativity किसे कहते हैं? Electronegativity यानी atom की वो ability जो के electron को gain करे, वो atom जो electron को gain कर सकते हैं और gain करने की सलाहियत रखते हैं. उस पावर को उस सलाहियत को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. जितना एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा उतनी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज्यादा होगी. तो इसका एग्जांपल है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर पानी. HCl में क्या है, इन HCl देयर इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है. क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसने 8 पूरे करने हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से लेगा, सॉरी हाइड्रोजन से लेगा, तो हाइड्रोजन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, तो इसके साथ 8 हो जाएंगे. ये इसका ये देखिए ये क्या है, ये है हाइड्रोजन. इसका साइज क्लोरीन से छोटा है क्योंकि इसमें एक शेल है. क्लोरीन में टोटल 3 शेल है, तो इसके फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके वैलेंस शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ये दोनों रिएक्शन कर लेते हैं, ये क्लोरीन है तो ये HCl बनाएगा. अब इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्लोरीन के ये क्रॉस जो है ना, क्रॉस यानी क्लोरीन के या हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है. ये मैं हाइड्रोजन के साथ लिख देता हूँ. हाइड्रोजन यानी क्रॉस का मतलब ये कि ये क्रॉस इलेक्ट्रॉन को जाहिर करता है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन. तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्लोरीन के मैंने वही 7 इलेक्ट्रॉन डाले. एक ये हो गया, एक 3, 4, 5, 6, 7, 8 और हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन हो गया. लेकिन हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलेंस शेल में 1, 2. इसका डुप्लेट रूल पूरा डुप्लेट पूरा हो गया. क्लोरीन के साथ कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इसके साथ 8 हो गए. तो इसमें हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस सिग्मा, और क्लोरीन पर माइनस सिग्मा. इस पर यानी इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज डिफरेंट होगी और ये पोलर, इसमें पोलर चार्जेस आएंगे. अब है नॉन पोलर बॉन्ड. नॉन पोलर बिल्कुल इसके अपोजिट है. डिफिनेशन सेम है लेकिन यहां उधर हम डिफरेंट लिख देते, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी. यानी वही डिफिनेशन है, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी. द कोवलेंट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो कोवलेंट बॉन्ड, वो भी ये भी कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं बिटवीन एटम्स ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उन दोनों एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा. इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा वगैरह वगैरह. इन सच अ बॉन्ड बोथ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर इक्वली. इन दोनों में दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को इक्वली यानी बराबर अट्रैक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है ना H2,
एक हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इक्वली। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा एक दूसरे के साथ, इसके साथ भी दूसरे दो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन और इसके साथ भी दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका जी एग्जाम्पल, ये डायग्राम एग्जाम्पल है डायग्राम वाला, ये हमारे पास है हाइड्रोजन, इसके वैलेंस शेल में वन इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन, इसके वैलेंस शेल में वन इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों रिएक्शन कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। अब देखिए इस हाइड्रोजन यानी ये वाला हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वन और टू, इसका दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, डुप्लेट पूरा हो गया। ये हाइड्रोजन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, वन टू, इसका भी टू पूरा हो गया, यानी एच प्लस एच एच टू, ये हो गया, ये इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम हो गई। यानी और क्लोरीन की मैं बात बताऊँ, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ज़्यादा है एक क्लोरीन की, तो इसके साथ दूसरा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो दूसरे क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जैसा होगा। तो ये है नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन या नॉन पोलर कवलेंट बॉन्ड। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।